राम राम हमें बुंदेली चुगली से नीरज और बुंदेलखंड को सबसे लोकप्रिय न्यूज चैनल बुंदेली चुगली देख रहे तमोरे जाड़ा है सो आए हमें पटकी अपनी ऐसी बांध लई और लेके खबर बहुत तमतमावेदार है कि आदमी गर्माहट पैदा हो जाए। कमलनाथ सरकार के एक साल पूरे हो गए, दो दिन पहले इनने अपने वर्षगांठ मनाई है सत्ता में बैठने की, लेकिन मोह इनको ऐसा नहीं है कि जो कू के पास जाके जो क्या प्यार कि हमने खूब कछु उपलब्धि कर ली। कैसे जो है चासी तक रेत की चाशनी में ऐसे डूबे हैं, खनिज को ऐसे दोहन कर रहे, भ्रष्टाचार ट्रांसफर में ऐसे उलझे हैं कि इन्हें जवाब जनता के देवे किलाने मुंह में शब्द नहीं बचे। सो हम बुंदेली चुगली पहले ही बात की खबर लेके आए छतरपुर की एक अव्यवस्था बदहाली के लेके, खूब ढोल पीटे जा रहे हुए विकास के लेके हम ये बात को बता रहे हैं कि छतरपुर को स्टेडियम है जहां खिलाड़ी तैयार हो, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लाने युवा तैयार हो, आदमी घूम भी जाए तो अपने स्वास्थ्य के लाने एक होता है कि बदहाली आदमी के हैरान कर रही। पहले जी वीडियो देख लो कि बदहाली होता है कि बदहाली के, उसके बाद हम बाकी बात कर रहे हैं। जो होता है कि बदहाली हमारे खबरी जो सेवा वो संजू गए इनने जब से आदमी से बातचीत ही करी तो और चीजें भी निकल के आई। इन्होंने जो बताया है वो देख के हमें लगाते हैं कि छतरपुर को जो पंडित बाबूराम चतुर्वेदी स्टेडियम है उनको नाम एक ऐसे राजनीतिक घराने परिवार के मुखिया से है कि जी पे बुंदेलखंड के आदमी गौरव करते। पंडित बाबूराम चतुर्वेदी थे कि एक राजनीतिक शख्सियत रहे हैं और उनकी बलदियत थे कि जो छतरपुर के लोकल के स्थानीय विधायक हैं आलोक चतुर्वेदी पज्जे, उनकी बलदियत थी बाबूराम चतुर्वेदी के लेके, अभी उनके पूज्य पिताजी के रूप में हैं, रिकॉर्ड में भी हैं। लेकिन उनके नाम को जो स्टेडियम थी बदहाली पे है और उनकी तरफ सरकार है, उन्हीं को शासन हुए थे कि विधायक है, उनके बाद भी स्टेडियम की जब बदहाली है का स्थिति है जिन्होंने तक कि हमारे खबरियन ने जब बात करी होती कि आदमी इनसे होते कि लड़कन से तो बेका कह रहे, पहले इनकी सुन ले। भैया रो राम राम हमें बुंदेली चुगली से शिवम, हम सवेरे से आए स्टेडियम, हम की दौड़ लाओ जाए इतना पेटेट पुचका लाओ जाए, स्टेडियम आए से होते हमें गुलजने मिले और हमने देखो इतने सब जन दौड़ लगा रहे थे तैयारी कर रहे थे और उनसे जब चर्चा करी उनसे पूछो कि हमें क्या करो चाहिए कि फिट रखे लाने या कछू अच्छो करने स्वास्थ्य लेके, तो होते फिर बेचारे उन्होंने कई अच्छी चीज़ें बताई, वो संगे संगे कुल समस्याएं बताई। सो भैया रहा उनसे सीधे बात कर रहे और उनकी समस्या उनसे जान रहे। भैया आपको नाम क्या है? अनिल वर्मा सर। अच्छा भैया क्या समस्या आप? श्रीमान जी समस्या ऐसी है कि अपना जो ग्राउंड का ट्रैक खराब है, जैसे पानी कभी कभी गिर जा बारिश हो जाए तो उस साइड वहाँ पर थोड़ा कैमरा किया जाए, उस साइड मच जाता है तो हम ही लोग बनाते हैं, ना कोई गवर्नमेंट ध्यान देती है। और यहाँ पर लंबी कूद हाई जंप के लिए भी यहाँ पर बजरी डलना चाहिए और ट्रैक भी बनो चाहिए, और मतलब बहुत सारी समस्याएं दौड़े में हमें ऊँच नीच की एहसास होता है, जी की वजह से पैर में दिक्कत हो है और पोल भी नहीं है तो एक्सरसाइज करवे वालों तो वो भी लगवाओ जाए। अच्छा भैया आप भी कहीं समस्या बता रहे हैं तो बताओ आप क्या कह रहे थे? बादलों की समस्या नहीं है। क्या कह रहे थे भैया? पुल वुल नहीं है ना, यहाँ कोई उतनी ज़्यादा व्यवस्था नहीं है, तो वही लेटिंग बाथरूम मतलब हर प्रॉब्लम होती है और दौड़ने में थोड़ी प्रॉब्लम जा रही और साफ सफाई नहीं है। तो अभी आपने कुछ शिकायत करी, समस्या बताई? तो नहीं की शिकायत। तो समस्या शिकायत नहीं तो कैसे सही हुए बताओ भैया? अभी इसी द्वारा होगी, करवाई जाए समस्या का समाधान, हमें अपनी समस्या के लाने खुद खड़ा होना है। आप कछु कह वो चाह रहे भैया बताओ आप क्या कह रहे? बता तो रहे सर आप लोग ना समस्या, लेकिन जो जिम्मेदार अधिकारी हैं कर्मचारी हैं उन्हें बताने पड़े आपका तो है। साथ में जे हम और ऐसे बताएं। चलो ठीक है, देखो भैया जी बता रहे कि जी कहा है रास्ता खराब है, सो इनके जो चोट आ गई, देखो जब जब तो अभी तो गिर गए थे जो पूरे छुल गए जी, अब तो धीरे धीरे जी सही हो रहा हो और भी समस्याएं हैं। सो और आप कछु कह वो चाहो बताओ, वो चाहो तो भैया बताओ। बिजली की रात में थोड़ा सा लाइट की व्यवस्था हो जाए यहाँ पे, बढ़िया रहे, जुआ गांजा दारू खोरी ज्यादा होती है, हर जीने पे यहाँ पे कांच की बोतल फूटी मिलेगी, तो शाम को दोपहर में जुआ दारू सब कुछ यहाँ पे होता है। स्टेडियम के नाम पे जैसे स्टेडियम में स्पोर्ट होता है वो है नहीं, यहाँ पे दारू खाना होता है पूरा, एक्सरसाइज कैसे दारू की शीशियाँ डरी मिलत लड़का ना, जैसे रोको पे गुंडागिरी भी कर, मतलब जैसे अपन बैठे शाम के आए तो लड़कन से जैसे कहा कि इतने ना जी डार और सीसियाँ दी हमें दिक्कत हो रही से, तो मैं मतलब गुंडागिरी भी चला हर प्रकार की, मतलब सब किसे बताएं? आप कछु कह बोल चाह रहे भैया? आप कछु
चलो ठीक है भैया। तो जा दीदी इतने आवे वाले जो छात्र हैं या तैयारी कर रहे हैं या घूम फिर भी उनकी ये समस्या है, उनको क्या वो जो है ट्रैक खराब है, पानी भर जात, लाइट की सुविधा नहीं है, जैसे अगर शाम के देर रात उन्हें तैयारी कर रहे हैं तो बस समस्या जात। देखो अब उनकी बात ही खत्म नहीं हो पाई, तो हमने पूछ लो, वे कह रहे साफ सफाई नहीं है, और भी तमाम समस्याएं हैं, बिन्नू हरे आती उन्हें चेक कर, सोच समस्या होता अलग तरीके की समस्याएं होती, प्रसादन अलग समस्याएं होती, और भी अलग अलग तरीके से लोग आओ तो घूमे फिर परिवार के संग है, चीज़ें अब कौन सुविधाएं नहीं है, और उससे बड़ी एक समस्या एक जा है कि जो बता रहे कि इतने कौन हिसाब को व्यवस्थाएँ तो है ही नहीं है, और इतने जैसे सवेरे से घूम गया उस जगह जगह दारू की बोतल डही रहती और ऐसी चीज़ डर जाती है, नशीली चीज़ डर जाती है जिनमें नशा करा था आदमी, तो ऐसी समस्याएं हैं, तो प्रशासन ध्यान दे, और इतने कैसे सिर्फ सिर्फ जो लोगों के घूमने की जगह नो ही इतने लोग स्वास्थ्य के लाने आउत और संगे संगे अपने रोजगार के लाने भविष्य बना भी के लाने आउत, तो हमारी जो जिम्मेदारी भाव चाहिए, हमारी सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी भाव चाहिए, जहाँ से हमारे देश के युवा को भविष्य को रास्ता खोल रहा हो, कम से कम वो रास्ता तो साफ हो, वह जगह तो साफ हो। सो हम है बुंदेली चुगली से शिवम संजू और साहू जी के संगे। तो जन ऐसा है ते कि आदमी परेशान है, हैरान है और आश्चर्य सालन से जय स्थिति है, इतने दारू पियत आदमी उल्टे सीधे काम कर शाम होवे के बाद जो अगो से तो खुलो बार हो जाए तो मैं खाना बन जा, इतने दारू पीवे के लाने उल्टे सीधे कुकर्म करवे के लाने आदमी नहीं जम। पंडित बाबूराम चतुर्वेदी की आत्मा भी रो हुई है कि भगवान इतने कहा नाम से तुमने जो बैठा था, और गनीमत है उन राजनेता की जिन्होंने उनकी तो मूर्ति नहीं लगाई, लेकिन वे नहीं तक क्या करते होते, जो समझने वाली बात है। हम जो सबसे कह रहे हैं जो समाज के अगुआ हो, जनप्रतिनिधि हो, नेता हो, विधायक हो, कि भैया एक ऐसे महान पुरुष और राजनेता के नाम पे स्टेडियम बसो है और इनकी गरमा बनी रहा है, इनको गौरव बनो रहा है, इनकी जिम्मेवारी हम सब जनन की है, इस शहर के नागरिकन की, आम जनता की है, और जवाबदेह शासन प्रशासन और व्यवस्था बैठे आदमी की जवाबदेही है, लेकिन उनके बाद भी उस तरफ ध्यान नहीं दे जा रहा हूं, जब बदकिस्मती है एक तरफ कई नेता भाजपा के नेता अपने अपने पूर्वजन के प्रकरण के नाम पे गेट बना रहे हैं, स्मृति में क्रिकेट टूर्नामेंट सब चीजें करा रहे हैं, दूसरी ओर पंडित बाबूराम चतुर्वेदी के नाम पे बस स्टेडियम इतना बदहाल हो जाए इसकी कोई ने कल्पना न करी थी, और एक ऐसे राजनीतिक घराने की शख्सियत जिनकी आज भी डुंडी पट रही और डुगडुगी बज रही उनकी खूब ख्याति है इस देश में प्रदेश में, उनके बाद उनकी जात दशा है, हमें समझने पड़े, हमारे राजनेता के समझने पड़े कि हमें अपने काम की शुरुआत क्या करने पड़े, हमारी पहली प्रायोरिटी हमारी प्राथमिकता का भाव चाहिए, रेत भाव चाहिए, खनिज भाव चाहिए, दोहन भाव चाहिए, ट्रांसफर भाव चाहिए, या बदले की राजनीति भाव चाहिए, या हमारी प्राथमिकता पंडित बाबूराम चतुर्वेदी के नाम पे बस स्टेडियम में उनकी अच्छी मूर्ति लगा के इतने को विकास होते के खिलाड़ियों की सुविधा दे, वो हमें प्राथमिकता भाव चाहिए, हमें चिंतन करने पड़े, और जब उम्मीद समाज की औरतों से जुड़े स्टेडियम से जुड़े खेल प्रेमियों की, खिलाड़ियों की, आम जनता की उम्मीद तब और जाग जाती जब हमारे कहते कि विधायक खेल में रुचि रखत के विधायक कब को आयोजन कराते, लोगों की उम्मीद हती रहती भी है और शायद उनकी उम्मीद पूरी हुई है बुंदेली चुगली की खबर के बाद, तो भाई हम ऐसी जगाते हैं अगली खबर की तरफ, हम मौका रहे। दूसरी खबर है ललिता यादव है पूर्व मंत्री जो छतरपुर की पूर्व विधायक है, इनने भाजपा सरकार के कामकाज के लेके उपलब्धियों के लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है कल, और इन्हें सीधे सीधे आरोप लगा हुआ है कि पार्टी के कांग्रेस के नेता रेत के खेल में ऐसे नशा गए कि नाशे ही कर डाल रहे पूरी व्यवस्था की, जनता परेशान खिलपत करने को इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा, इनको जो भी आरोप है कि भैया में खेल रेत में इतने मशगूल हो गए कि उन्होंने केन नदी की छलनी कर दो, कहते पे पर्यावरण पे संकट पैदा कर दो, कांग्रेस के नेता कितने चाशनी तक डूब गए रेत के खेल में, हम इनकी बात सुन ले रहे हैं, क्या कह रही जी रेती के नेता मध्य प्रदेश में एक साल पूरे होने पर जश्न मना रहे हैं, उनका कहना है कि हमने 365 दिन में 365 वचन को पूरा कर दिया, आज भारतीय जनता पार्टी ने पूरे जिलों पर उनके उनके जो वचन पत्र में वादे थे उनने एक भी वादे को पूरा नहीं किया, इस बात को लेकर हमने आप लोगों के माध्यम से जनता तक बात पहुंचाने के लिए पत्रकार वार्ता बुलाई थी, कांग्रेस की सरकार ने जो वादे किए थे चाहे हम किसानों के कर्ज माफ की बात करें या हम बोनस देने की बात करें या 12 घंटे बिजली देने की बात करें या मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में 51,000 रुपए देने की बात करें या बेटियों को स्कूटी देने की बात करें,
अन्य वादे उन्होंने जो किए थे, या गौशाला हर पंचायत स्तर पर बनाने की बात करें, जितने वादे किए थे उनने एक भी वादे को पूरा नहीं किया। अगर मध्य प्रदेश में सबसे अच्छा काम कांग्रेस पार्टी ने किया है तो वो किया है अवैध उत्खनन। बड़ी बड़ी नदियों में बड़े बड़े रोड डाल दिए गए, अवैध उत्खनन हो रहा है। अवैध उत्खनन में विधायक और मंत्री सब शामिल है। एक साल में उन्होंने जनता के बीच में एक भी काम नहीं किए। मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान की जो सरकार थी उस समय जो काम हुए थे आज वही काम चल रहे हैं। जनता आप अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। जब जनता के बीच में जनहित के मुद्दे उठा रहे हैं तो निश्चित ही अवैध उत्खनन को लेकर भी हमें धरना और आंदोलन करना चाहिए। उस बात को लेकर के हम विधायक से बात करेंगे और भारतीय जनता पार्टी अब वही नदियों पर जाकर के धरना और आंदोलन। तो जो पूर्व मंत्री ललिता यादव थी जिनने एक साल में जो कांग्रेस की विफलता है इसके बारे में बताओ, इनके संग पूर्व विधायक उमेश शुक्ला और पूर्व विधायक पुष्पनाथ पाठक गुड्डन भैया भी मौजूद थे। इन सबको यही आरोप होते कि सिंडिकेट बना के जो कांग्रेस के नेता पूरे विधायक मंत्री मिलकर केन नदी की छाती छलनी कर दे रहे, आग लगा दे रहे व्यवस्था में। जाए पूरी खबर के बाद हम तीसरी और आखिरी खबर की तरफ रुख कर रहे अपने मुंह मोड़ रही बात के लेके कि एक खबर चौंकावे वाली है, मानवता के शर्मसार करने वाली है। हम कौन से समाज में रह रहे, कौन से देश में रह रहे, जो समाज में नारियन की पूजा करी जाती, नारियन के देवी को दर्जा दिया जाता, तो कन्या भोज के आयोजन करा जाता है, साल में दो बार नौ दुर्गा पूजी जाती है, उस समाज में बेटी पैदा होने के बाद झाड़ियन ने फेंक दो जात मरवे के लाने, जो एक दुखदायी खबर आई है। सिविलियन थाना क्षेत्र के सड़े रोड पे नाथन को परवाह है, इतना में कल रात के एक बिटिया खेत में कौन ढाल के फेंक गो, एक दिन की पैदा भाई बिटिया रात भर उस अड़ती में कुरकुरा डरी रही बात थी, मरवे के लाने डार गए थे। इतनी हम बता रहे हूँ रात की इतनी सर्दी थी, जो रात की बिटिया के फेंक होगा खोलो फेंकता होगा तो खेत में पूरी रात ओस में पानी में वह भीगत रही होगी, बाद भी जिंदा बच के आ गई। उगे नाम मिलो है अपराजिता, ये अपराजिता जिला अस्पताल पहुंची, इनको इलाज एसएनसीयू में चल रहा हो। नगर पालिका की अध्यक्ष छतरपुर की पहुंची अर्चना गुड्डू सिंह, उन्हें पहुंच के ये बिटिया के कपड़ा उन्ना की व्यवस्था करी, ये गोदी में खिलाओ और इनने उनको नाम दो अपराजिता। इनसे जब पूछे काय नाम दो तो उनको कह वो हतो कि एक ऐसी बिटिया जी मर में खिलाने छोड़ दो, जैसी पैदा हुई फेंक दो खेत में, और ऐसी सर्दी में कि जब आदमी घर के भीतर हीटर लगाए घर से बाहर नहीं निकल पा रहा, एक बड़ो आदमी जो सब कुछ कपड़ा उन्ना से ढको है वो आदमी ठंडी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, ऐसे मौका ऐसे समय में ऐसे मौसम में ई बिटिया ने मौत के जीत के जब आ गई साक्षात लक्ष्मी अपराजिता बन के, इसे ही को ना अपराजिता रखो। क्या कह रही नगर पालिका अध्यक्ष, हम उनकी भी सुने ले रहे हैं। व्हाट्सएप से मिली और जैसा कि बेटियों के लिए हम सभी संवेदनशील हैं, तो जब बिटिया की जानकारी मिली ये बच्ची है और रात भर वो खेत में डली रही, और उसने जिस तरह से, क्योंकि आप देख रहे हैं कड़ाके की सर्दी है, हम लोग घरों में बंद हैं, रजाई ओढ़े हैं तो भी हम लोग के हाथ पांव कांप रहे हैं सर्दी से, और ऐसे में उस बच्ची ने मौत को शिकस्त दी है और वो स्वास्थ्य केंद्र तक आई है। हम उसी से मिलने आए थे, बच्ची से मिलने आए थे, बच्ची यहाँ बहुत अच्छे से स्वास्थ्य लाभ ले रही है। सिस्टर से भी बात की, डॉक्टर बरुआ जो चार्ज में है उनसे भी बातचीत हुई, बच्ची का हाल चाल जाना, जो कि बच्ची अभी ठीक है, लेकिन पूरी रात ठंडी में पड़े रहने की वजह से थोड़ा सा उसको हाइपोथर्मिया की शिकायत हो गई थी, लेकिन डॉक्टर ने उसको कंट्रोल में लिया हुआ है और सारी मेडिसिन उसकी चालू हो गई हैं। तो इस बच्ची का नाम हम सभी ने अपराजिता दिया है, जो कि मौत से लड़ के, मौत को हरा के, शिकस्त दे के, और वो वापस अपनी ज़िंदगी में जीने आई है। और निश्चित है कि अगर इस बच्ची को कोई अडॉप्ट करता है, हम इसकी सफल जीवन की कामना करते हैं। और हमने अभी डॉक्टर से बात की कि इसका जो भी दवाई का खर्चा है, जो भी इसका कोई भी खर्चा होगा, इस बच्ची का सारा खर्चा उठाने को मैं तैयार हूँ। आज अभी हमारे पास जो है 12:15 बजे लगभग अभी सुबह, और आरक्षक मिस्टर कमलेश मिश्रा जी द्वारा 100 डायल से एक बच्ची को यहाँ अस्पताल में भर्ती कराया गया। यह अज्ञात बच्ची जो है दालौन गांव के नाथन का पुरवा करके जगह है, वहाँ पे ये पाई गई। ये बताया गया कि लगभग करीब रात में 3 बजे और उनके पति को ये बच्ची प्राप्त हुई वहाँ से, और उन्होंने फिर 100 में फ़ोन करके बच्ची को यहाँ पे भर्ती कराया है इस समय। तो ये डॉक्टर साहब ने बता दो बिटिया स्वस्थ है और देवगति है, या देव भगवान की ऐसी कृपा है कि एक बिटिया
बच गई और जो चमत्कार है वो यही किलाने काल लगा के जाखो रहा के साइया मार सके ना कोई। तुम कछु भी कर लो, अब एक चीज जो भी मान के चलियो कि जब बिटिया अगर पल गई और जीवित बची तो जब समाज में कितना बड़ा नाम करे, जी के घरे भी जाए, जी को कुल यो को कुल को रोशन करे। खास साधारण जीव साधारण आत्मा नहीं है। अगर जब मौत के जीत की धरती पे जिंदा हो लेके अपनो अस्तित्व बचा के आ गई तो हमें समझो जा सकता कि हमारे रोंगटे फुरफुरी दौड़ते हैं कि अगर ऐसी बिटिया जीवित होके आ गई तो समाज में देश के लाने का करें का योगदान रहे हम समझ सकते। और बुंदेली चुगली वाद की घोषणा कर रही हम बता रहे कि जहां भी जा रहे हैं बिटिया या ऐसा नाम रोशन करें कि देश में आदमी सोचे एक बार बिटिया के ऐसा मारवे के लाने या कोख में मारवे के लाने सोचे। तो भैया हम ले रहे फैदा लेके एक संकल्प सबसे ले रहे कि बिटिया हो चाहे लड़का, अगर ईश्वर ने तुम्हें दो है नेमत दी है तो तुम भैया को पालो, नहीं पाल पा रहे तो कहूँ ऐसी जगह दे दो कि जाओ ठिकाना मिल जाए। तुम्हें हक नहीं आओगे मारियो को धरती पे आवे से पहले तुम ना तो रोक सकते तो रोक लेते, अगर धरती पे आ गई तो तुम्हें मारियो को हक नहीं है। और भगवान ने जवाब साबित करके ही बता दी कि हमें जिंदा और मारियो को हक है तो केवल भगवान के, भगवान ने जो बता दिया कि केवल वही के हक है आदमी के जीवन देवे को मारियो को। तो भैया भगवान ना बनो इंसान बन जाओ, यही चेत है बुंदेली चुगली की कि इंसान मनुष्य इंसान बन जाए, कहा है पशु बन रहे कहा है ना हक के अपने प्राण दे दे ससरे आ रहे कोड़ पड़े हो मर जाओ तुम रहे कीड़ा पड़े हो मर जाओ। फिर वे दिन तुम्हें याद आए कि जब से तुम पाप के काम कर रहे तब तुम्हें याद आया कि भगवान हमसे कौन सी गलती हो गई और उस समय पछतावे के अलावा कौन चारो न रहे तुम्हारे पास। सो भाई यार ना लगा ये लगाओ अपनी किस्मत ने, अपने कर्म सुधार लो नहीं तो नाशे हो जाए कुल बर्बाद हो जाए सत्यानाश हो जाए। सो हम तो ततोष के संग आज विदा ले रहे हमा हो दिमाग खराब और हम कछु चार न पक जाए मर्यादा भी रखने में। सो भैया राम राम बुंदेली चुगली की टीम संजू सेवम और सोनू के संगे हमें नीरज।